केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई है 67 एकड़ जमीन के एक्वायरमेंट के लिए। हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक है, इस पूरे मामले को एक लंबे वक्त से देख रहे हैं। जिलानी साहब, इस मूव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक एप्लीकेशन है जो उस मुकदमे में दाखिल की गई है जो 2003 में इसका फैसला हुआ था, और उसमें तय हुआ था कि जब तक कि सूट्स की सुन डिसाइड ना हो जाए तब तक वो ज़मीन जो एक्वायर की गई है उसको ना किसी को दिया जाएगा और ना उस पर कोई रिलीजियस फंक्शन होगा। तो ये उस एप्लीकेशन के ऊपर आप बातचीत चल रही है। अभी वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शायद नहीं आई है, और जब चीफ जस्टिस के सामने आएगी तब ये पता चलेगा कि वो इसको इंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, कोर्ट करेगी इंटरटेन या नहीं। और अगर वो इंटरटेन करेंगे तो जाहिर है कि 5 जजेस की बेंच को रेफ़र होगा। हम लोग इसको मैलाफाइड ही समझते हैं। ये एक गवर्नमेंट की एक एफर्ट है जो उन साधुओं को सेटिस्फाई करने के लिए मालूम होती है जो कुंभ में जमा हैं। ये गवर्नमेंट का काम मंदिर बनवाना नहीं है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के फैसला ये है कि सरकार ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती जो एंटी सेकुलर हो या अनसेकुलर हो। ये सेकुलर काम नहीं है, ये मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों का हक है कि वो अपने पसंद के काम करें, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। तो इसमें ये भी आएगा कि इसके ज़मीन, इस ज़मीन के जो मस्जिद है उसके 3 तरफ से मिला हुआ हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन है, और 4थी तरफ उसके थोड़े दूर पे कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो ये कौन सी ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं, वो सरप्लस कैसे अभी तय हो गई? सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन देगा कि सरप्लस है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो सूट के चल रहा है, अभी सूट तय नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जब जाएगा तो हम अपना जवाब दाखिल करेंगे, और हम इसमें जो हमें आपत्तियाँ हैं, मतलब आप चैलेंज करेंगे, हम इसको चैलेंज के इसको हम अपोज करेंगे इन एप्लीकेशन को कि ये मेला फाइडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली से मेंटेनेबल नहीं है, और ये हमारी ज़मीन जो कब्रिस्तान की है वो उसको नहीं दिया जा सकता है। वो ज़मीन कौन सी है उसके बारे में देखा जाए कि उसका टाइटल क्या है। इस मूव को आप मान रहे हैं जो जो प्रयागराज में इस टाइम कुंभ चल रहा है उसमें जो साधु संत तमाम जुड़े हुए हैं उनको खुश करने के लिए? बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ये उन साधु संतों को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि कुछ वो 1 फरवरी को जो पास करने जा रहे हैं कुछ ना पास करें या कुछ लूजली पास करें, बज़ाहिर ये वो अटैम्प्ट है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सीनियर एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब थे। साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं, जिस तरीके से प्रयागराज में इलाहाबाद में जो कुंभ चल रहा है उसमें तमाम जो साधु संत मौजूद हैं उनको खुश करने के लिए ये कदम बढ़ाया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अरसलान समदी, ETV।